इमेजिन कीजिए कि नेक्स्ट वीक आप अपने वेकेशन के लिए एक बीच पे जा रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप वहां के सनसेट और ब्लू वॉटर्स को और पास में लगे बहुत सारे पाम ट्रीज को एंजॉय कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कि जैसे ही सी वॉटर शोर से टकराएगा तो उसका जो साउंड होगा आपको वो सुनाई दे रहा होगा, तो आप उस बीच के रिलेटेड हर एक चीज सोच रहे हैं कि एक हफ्ते बाद ये हो रहा होगा। तो अगर हम इंग्लिश में कहना चाहें कि ये हो रहा होगा, मैं बीच पे घूम रहा होऊंगा, सनसेट देख रहा होऊंगा, मैं ये कर रहा होऊंगा या ये मैं एंजॉय कर रहा होऊंगा, तो ये हम अगर हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कैसे कहेंगे? वेलकम टू आर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो कि 40 दिन का है, इसमें हमने इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। तो आज हम यही टेंस करने जा रहे हैं कि मैं ये कर रहा होऊंगा, मैं सनसेट एंजॉय कर रहा होऊंगा। तो ये सब चीजों की ट्रांसलेशन क्या होगी और ऐसे ही और सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन क्या होगी, कैसे हम इंग्लिश में इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये हम आज देखने वाले हैं और सीखने वाले भी हैं। तो सबसे पहले इस टेंस को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या कहते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि कोई चीज फ्यूचर में हो रही होगी। इमेजिन कीजिए कि आप यहां प्रेजेंट में हैं और आप कहते हैं कि कोई चीज फ्यूचर में हो रही होगी, होगी और वो कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए वो कंटिन्यू भी करेगी, इट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। तो इस टेंस को हम क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। लास्ट में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किया था जिसमें हमने ये देखा था कि कोई चीज फ्यूचर में होगी, यानी कि कोई चीज फ्यूचर में होगी, बट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या है, कोई चीज फ्यूचर में हो रही होगी। तो इस टेंस में क्या लगेगा, रहा होगा, मेरा भाई कल पेपर दे रहा होगा, रही होगी, मेरी सिस्टर कल मार्केट में घूम रही होगी, रहे होंगे, मेरे दोस्त कल मूवी देख रहे होंगे, मेरे फ्रेंड्स कल मूवी देख रहे होंगे। तो इन सबको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेट्स कम डायरेक्टली टू दैट। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हम प्लेस करते हैं सब्जेक्ट, यानी कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है, उसके बाद हम विल बी का यूज करते हैं या शैल बी का यूज करते हैं। तो विल बी का यूज हम कहां करते हैं, जब सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की बात हो रही होती है, और शैल बी का यूज हम कब करते हैं, यूजुअली जब फर्स्ट पर्सन की बात हो रही होती है। ऑफ कोर्स इसकी एक्सेप्शन भी है जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने देखी थी। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। वर्ब क्या होता है, जो क्रिया हो रही होती है, जैसे कि घूमना, खाना, देखना, लाइक करना, कुछ चाहना, तोड़ना, ये सारी चीजें क्या है, इसको हम क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, वर्ब्स। तो उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद भी हम आईएनजी का यूज करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। तो लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू द सी फर्स्ट कि हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमने इस वीडियो को तीन कंपार्टमेंट्स में, तीन डिविजन में हमने इस व्हाइट बोर्ड को डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम हाँ वाचक सेंटेंसेस को देखेंगे, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा हमने सेंटेंस बनाया है कि 2 hours फ्रॉम नाउ वी शैल बी वॉचिंग मूवी, कि अब से 2 घंटे बाद हम मूवी देख रहे होंगे। अगर हमने हिंदी में कहना है कि यार हम अब से दो घंटे बाद हम मूवी देख रहे होंगे, तो हम क्या कहेंगे, हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले आज अब से 2 घंटों के बाद, 2 hours फ्रॉम नाउ, 2 hours 2 घंटे बाद, अब से, फ्रॉम नाउ, अब से, सबसे पहले हमने ये पार्ट हमने लिखा है कि 2 hours फ्रॉम नाउ, 2 hours फ्रॉम नाउ, उसके बाद कॉमा लगा दिया है, वी, तो सब्जेक्ट कौन है, वी, वी शैल, शैल क्यों लगाया है, क्योंकि वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, वी और आई फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो 2 hours फ्रॉम नाउ वी शैल बी वॉच, देख रहे होंगे, वॉच इंग आई एन जी, वी शैल बी वॉचिंग, क्या देख रहे होंगे, मूवी। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मूवी। तो 2 hours फ्रॉम नाउ वी शैल बी वॉचिंग मूवी, तो वी शैल बी वॉचिंग मूवी। अब बहुत आसान है इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना कि 2 hours फ्रॉम नाउ वी शैल नॉट बी वॉचिंग मूवी, वी शैल नॉट बी वॉचिंग मूवी। तो इसमें हमने क्या किया, सिंपली हमने शैल या विल के साथ हमने नॉट का यूज करना है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो 2 hours फ्रॉम नाउ वी शैल नॉट बी वॉचिंग मूवी। इसके बाद अगर हमने नेगेटिव
सेंटेंस हमने कर लिया, उसके बाद अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी कि अगर हमने प्रश्न पूछना है कि क्या मैं ये काम कर रहा हूंगा या क्या तुम वो काम कर रहे होंगे, तो सिंपली हमने क्या करना है, शैल या विल को सेंटेंस के बिगिनिंग में लेके आना होता है। जैसे कि ये तो हमारा सेम ही रहेगा कि 2 hours फ्रॉम नाउ, अब से 2 घंटों बाद, उसके बाद जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का रोल है वो स्टार्ट हो जाएगा शैल। तो ये हमारा सेंटेंस है, इसके सबसे पहले हमने क्या किया, शैल को लगा दिया हमने, शैल आई बी वॉचिंग मूवी, क्या मैं मूवी देख रहा हूंगा, शैल आई बी वॉचिंग मूवी, तो वी शैल बी वॉचिंग मूवी, हम मूवी देख रहे होंगे, वी शैल नॉट बी वॉचिंग मूवी, शैल के साथ नॉट का है, हम मूवी नहीं देख रहे होंगे, शैल आई बी वॉचिंग मूवी, क्या मैं मूवी देख रहा हूंगा। तो हमने यहाँ क्या किया, ये वाले रूल्स को हमने फॉलो कर दिया। तो हम यहाँ पॉज करते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार डेली लाइफ में क्या हम यूज करते हैं, कि क्या हम डेली लाइफ में ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को क्या हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अभी पॉज करते हैं 5 seconds के लिए और सोचते हैं कि क्या डेली लाइफ में हम इसे कहां यूज करते हैं, डेली लाइफ में हम इसे यूज कर सकते हैं कि जैसे आपने प्लान किया कि कल हम मूवी देखने जाएंगे, कल हम मूवी देखने जाएंगे, या कल हम परसों हमारा पेपर है, कल हम पढ़ रहे होंगे, कल हम सारा दिन पढ़ रहे होंगे, तो इस सिचुएशन में हम यहां फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज कर रहे हैं कि परसों हमारा पेपर है और कल टमोरो वी शैल बी स्टडिंग द होल डे, कल हम सारा दिन पढ़ रहे होंगे, कल हम सारा दिन पढ़ रहे होंगे। तो बहुत ही आसान है, इस टेंस को हम यूजुअली यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम सेंटेंस ले लेते हैं, नेक्स्ट ईयर ही विल बी वर्किंग एज अ डॉक्टर, नेक्स्ट ईयर अगले साल ही विल बी वर्किंग एज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर की तरह काम कर रहा होगा, मतलब वो डॉक्टर होगा। ही लगाया हमने क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, थर्ड पर्सन कौन होता है, ही शी इट एंड दे, तो हमने विल बी का यूज किया है क्योंकि यहां ही है, सेकंड थर्ड पर्सन है, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ यूजुअली हम विल का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर ही विल बी वर्किंग एज अ डॉक्टर, नेक्स्ट ईयर वो क्या है, नेक्स्ट ईयर से, या नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स भी कह सकते हैं, ही विल बी वर्किंग एज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर की तरह काम कर रहा होगा। नेक्स्ट ईयर ही विल नॉट बी वर्किंग एज अ डॉक्टर, नेक्स्ट ईयर से वो, या नेक्स्ट ईयर वो एक डॉक्टर की तरह काम नहीं कर रहा होगा। यहां मना कर रहा है कि यार नहीं कर रहा होगा, यहां उसने नॉट का यूज किया है। अब यहां अगर उसने प्रश्न पूछना है कि नेक्स्ट ईयर विल ही बी वर्किंग एज अ डॉक्टर, कि क्या वो डॉक्टर की तरह काम कर रहा होगा, अब यहां एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हमने विल को प्लेस कर दिया है सामने आकर। नेक्स्ट हमारे पास है एट दिस टाइम टुमोरो ही विल बी स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम, कि कल इस टाइम, एट दिस टाइम टुमोरो, इस टाइम कल को ही विल बी स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम, वो अपने एग्जाम्स के लिए स्टडी कर रहा होगा, वो अपने एग्जाम के लिए स्टडी कर रहा होगा। एट दिस टाइम टुमोरो ही विल बी स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम्स, किस चीज के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यू हैव 2 seconds, ही विल नॉट बी एट दिस टाइम टुमोरो, ही विल नॉट बी स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम्स, एट दिस टाइम ही विल नॉट बी स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम, एट दिस टाइम टुमोरो विल ही बी स्टडिंग फॉर एग्जाम, फॉर हिज एग्जाम, कि क्या कल इस टाइम वो अपने एग्जाम के लिए स्टडी कर रहा होगा। हमने विल को प्लेस कर दिया है। अब छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, इस सेंटेंस को आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप कन्वर्ट कीजिए, आई विल स्टडी टुमोरो, आई विल स्टडी टुमोरो, इस टेंस को आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कीजिए, यू हैव 5 seconds। तो फ्यूचर, जैसे कि हमारे पास ये सेंटेंस है कि आई विल स्टडी टुमोरो, तो इसके साथ क्या नहीं है, इसके साथ वी बी नहीं है और वर्ब के साथ आई एन जी भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ही आई विल बी स्टडिंग टुमोरो। नेक्स्ट सेंटेंस है शी विल बी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव एट नाइट, जब तुम उसके घर पहुंचोगे, व्हेन यू अराइव एट नाइट, या इसकी ट्रांसलेशन है कि जब तुम रात को पहुंचोगे, शी विल बी स्लीपिंग, वो सो रही होगी, वो सो रही होगी जब तुम उसके घर पहुंचोगे।
तो यहां हम एक और रूल को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये रूल देखा है कि शी विल बी स्लीपिंग, वो सो रही होगी जब तुम उसके घर, जब तुम रात को पहुंचोगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में है, ये ऐसे नहीं कहा है कि शी विल बी स्लीपिंग व्हेन यू विल अराइव एट नाइट। तो इसका ये भी रूल है कि जब दो सेंटेंस होते हैं और दोनों में फ्यूचर की बात हो रही है, तो उसमें जो एक सेंटेंस होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे कि व्हेन, जो व्हेन की बात आता है, व्हेन के बाद आता है इफ के बाद आता है, तो वो सेंटेंस यूजुअली क्या होता है, वो कौन सा होता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। जैसे कि शी विल बी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव एट नाइट, शी विल नॉट बी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव एट नाइट, जब तू रात को पहुंचोगे तो वो सो नहीं रही होगी। विल शी बी स्लीपिंग, क्या वो सो रही होगी, व्हेन यू अराइव एट नाइट, जब तुम रात को पहुंचोगे तो क्या वो सो रही होगी। नेक्स्ट है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल बी लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी, कि इस साल के अंत तक, बाय लगा दिया है, बाय का मीनिंग क्या है, तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस ईयर के एंड तक आई विल बी लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी, मैं एक अलग सिटी में रह रहा हूंगा। तो आप यहां पे एक चीज देख रहे होंगे कि मैंने यहां विल लगाया है आई के साथ, क्योंकि इसका भी एक रूल होता है, जब आप प्रोमिस कर रहे हैं या आप ऑर्डर कर रहे हैं या किसी चीज की कमिटमेंट कर रहे होते हैं, तो आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज करते हैं, आई विल बी लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी, कि इस ईयर के एंड तक मैं एक अलग सिटी में रह रहा हूंगा, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल नॉट बी लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी, मैं नहीं रह रहा हूंगा अलग सिटी में। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर विल आई बी लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी, क्या इस साल के अंत तक मैं एक अलग सिटी में रह रहा हूंगा। तो आई होप कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये रूल्स है, ये कुछ एग्जांपल्स हमने की है, ये आपने इम्बाइब कर ली होगी, ये ऑब्जर्व कर लिया होगा। अगर फिर भी इस टेंस के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई इश्यूज है, यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम विद दिस टेंस, तो यू कैन कॉमेंट बिलो योर डाउट्स, आई विल ट्राई टू गिव आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आस्क मी। In other words, I will be giving the answers to your questions. Subscribe नहीं किया, subscribe कर लीजिए। Series को जितने लोगों तक हो सके share कीजिए। Thanks for watching the video.